जतारा के पुजारी संघ ने एसडीएम सौरभ सोनवाली को सौंपा ज्ञापन। मंदिर के पुजारी की हुई हत्या को लेकर गिरफ्तारी की मांग। टीकमगढ़ जिले के जतारा नगरी क्षेत्र के मंदिरों के पुजारियों ने सामूहिक प्रधानमंत्री के नाम जतारा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। आज तहसील परिसर में नगरी क्षेत्र के मंदिरों के पुजारियों ने परशुराम भगवान के जयकारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जतारा एसडीएम डॉक्टर सौरभ सोनवाले को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान के करौली जिले में श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी बाबूलाल बैसरो, जिन्होंने कई वर्षों से भगवान की पूजा सेवा करने वाले पुजारी थे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनका गांव के ही भू माफियाओं ने अपनी दमंगाई दिखाते हुए मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी ने विरोध किया तो अपनी दमंगाई दिखाई कि गरीब मंदिर के पुजारी को पेड़ से बांधकर मकान बनाने वाली सामग्री के साथ पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिसका आक्रोश जताते हुए तहसील परिसर में परसू भगवान के जयकारे के साथ जतारा मंदिर के पुजारियों ने सामूहिक ज्ञापन सौंपा और भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। आज प्रजा पुजारी संघ जतारा मंडल ने जो ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम पर सौंपा है, वो राजस्थान में करौली जिले में जो राधा कृष्ण के मंदिर के पुजारी श्री बाबूलाल वैष्णव जी, जिनको भूमाफियाओं ने मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने के तहत में उनसे द्वेष पालने के साथ में पेट्रोल डाल करके पेड़ से बांधकर उन्हें जिंदा जला दिया और एक गरीब असहाय पुजारी जिस प्रकार से तड़प तड़प के मरा है, वो सारे भारतवर्ष के कोने में उनकी गूंज और चीत्कार सुनाई दे रही है। आज भारत में राजस्थान में जो घटनाक्रम घटा, जिससे सारे भारतवर्ष के मंदिरों के पुजारी आक्रांत हैं, भयभीत हैं और जिला टीकमगढ़ पुजारी संघ की ओर से हम सभी पुजारी मंडल ने प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो ज्ञापन दिया है वो इस तहत में दिया है कि उस आक्रांत घटना के कारण से सारा पुजारी मंडल भयभीत है और जिला टीकमगढ़ में भी लगभग कई ऐसे मंदिर है जहां पर भूमाफिया कब्जा करके बैठे हैं। भयाक्रांत होने के कारण से भयभीत इस बात से है कि कहीं ऐसा घटना हमारे जिला टीकमगढ़ में ना घट जाए, इसीलिए सरकार प्रशासन मंदिरों को कब्जा से मुक्त कराए, भूमाफियाओं के खिलाफ उचित कार्यवाही करे और पुजारियों को सुरक्षा प्रदान करे और जो भी राजस्थान करौली के अपराधी हैं उन सभी को फांसी की सजा दी जाए। हम सभी पुजारी मंडल का यह प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन है, प्रार्थना है और आवेदन है।